माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का प्रेस वार्ता फतेहपुर का आज का प्रेस वार्ता की पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। और ये तर्क नहीं है, तर्क ये है कि अगर आपने कुछ भी कह दिया तो हम कोर्ट पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते। अभी डिस्ट्रिक्ट जज से आपको सजा दिलवा देंगे। अब मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। आपको हमारे कन्नौज के सांसद ने एक भजन सुनाया पुलिस को, अगर कहो तो भजन सुना दूं मैं। नहीं, जो भजन उन्होंने मोबाइल पे सुनाया, जो टेप रिकॉर्डिंग चली, तो क्या मतलब इतना सुना? नहीं, मैं नहीं सुना सकता। वो इतना नॉनवेज है, आपको भी बड़ा बुरा लगेगा। उसमें बहुत सीमा लांघे सांसद, तो वो भजन गाया था। उससे पहले आपने आरती देखी थी एक बार, सांसद और विधायक ने आरती उतारी थी संत कवि नगर में। तो कोर्ट से क्या है, उनको सब सिपाही बदल गए, मुझे सुनने में आ रहा है, जो उन्हें गवाही देनी थी वो बदल गए। कि सरकार का इतना प्रेशर था, मुख्यमंत्री जी का इतना प्रेशर था कि पुलिस सच नहीं बता नहीं पा रही थी। गाली खाने के बाद, पिटने के बाद पुलिस ने कहा ये घटना ही नहीं हुई। और दूसरा सांसद इटावा का, कोर्ट ने सजा दी, उनसे ऊपर वाले दिन सजा रोक दी। आप कांग्रेस के अध्यक्ष का सुनिए, सजा 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 सब कोर्टों से, सुप्रीम कोर्ट ने बचा, न्याय दिया उन्हें। तो ये लोग, इसीलिए हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। ये कोर्टों को भी प्रभावित करने लगे हैं, ये कोर्टों से भी विपक्ष के लोगों को सजा दिलवाना चाहते हैं। क्या आपका ये चेयरमैन है जो रजा, हाजी रजा जी, क्यों इसको नहीं फंसा रहे क्या? झूठा जिला बदल कर दिया कि नहीं कर दिया? हम आपसे न्याय मांगे, डीएम से न्याय मांगे, किससे न्याय मांगे बताइए आप। तो हमारा समाजवादियों का लक्ष्य है इस फौज को बचाना और इस फौज को सीधा चुनाव में झोंक देना। अध्यक्ष जी, शरद पवार की और अजीत पवार की अभी हाल ही में खुद बैठक हुई, ऐसा तो नहीं लोकसभा चुनाव के पहले ही इंडिया में जो है सेंध हो जाए? अरे बीजेपी के चक्कर मत पड़ो, इंडिया बहुत बड़ी है। अरे इससे पहले आपके पड़ोसी इंद्रजीत सरोज जी के लिए बोल रहे थे और पूजा पाल के लिए बोल रहे थे, और फिर जैन जी के लिए उड़ा रहे हैं। सदन में चाचा के लिए बोल रहे थे, एक दिन नेता ने चाचा के लिए कहा तो हमने कहा योगी जी भी हमारी पार्टी में आ रहे हैं। ये क्या बात हुई? योगी बात हुई क्या? योगी जी हमारी पार्टी में आ जाएंगे? फिर ऐसी क्यों बातें करते हो आप लोग? क्यों ऐसे ही नेताओं की बात आप अपना चैनल चलाने के लिए बुनियादी मुद्दों से हटते हो? अरे भाई, किसानों की आय दोगुनी हो तो बता दो, नौजवानों को नौकरी मिली हो तो बता दो, बिजली आपको 24 घंटा मिल रही हो तो बता दो, बिल सस्ता हो गया हो तो बता दो। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जिस तरीके से फौज की पहले भर्ती होती थी, पक्की नौकरी फौज में मिलती थी, वैसी हम लोग करेंगे। अपने नौजवानों को हम कहना चाहते हैं कि वर्दी पक्की, पक्की नौकरी पक्की वर्दी। सपा लड़ेगी, उत्तर वाहिनी गंगा बह रही है, यहाँ उत्तर वाहिनी बनारस में ही बह रही थी, वो क्यूटो बना नहीं, लेकिन आदर्श जिला हम लोग बनाएंगे इसको, और लोकसभा का सांसद भी समाजवादी पार्टी का जीतेगा। सर सचिवाल जी ने ये बात कही थी कि आप लोगों को तैयार रहना चाहिए कि एक पैर रेल में और दूसरा जेल में आंदोलन के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, अब आंदोलन शुरू हो गए। आंदोलन से कहा, सब जा आंदोलन कर रहे हैं, लगातार चल रहा है हमारा आंदोलन। आंदोलन का रूप है साइकिल चल रही, पैदल चल रहे, विधानसभा में घेर रहे हैं, और बहुत जल्दी आप सब चीजें देखो। क्यों आप क्यों चाहते हो सड़क, क्यों चाहते हो? आपको बंद कर दिया, आपको बजट कम मिला, आप भी सड़क पे आ जाओ। अरे जो हमारी रणनीति है, हम अपनी रणनीति के हिसाब से काम करेंगे। हमें पता है बीजेपी को कैसे हरामा है, इसलिए रणनीति के तहत हम लोग मुकाबला कर रहे हैं। अरे मैंने आपको सुनाया नहीं कि सोचो, भजन सुनाने वाले को जिसने मोबाइल में भजन सुनाया, पुलिस को पूरी पुलिस मुकर गई। बीजेपी ने आज बनारस से युवा सम्मेलन की शुरुआत की, कैसे देखते हैं? उन्हें बताएंगे कि हमने तुम्हें नौकरी नहीं दी और नौकरी मिलेगी। ओके ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।